ये सिरोही का दूधिया तालाब है, दूध की तरह इसका पानी हमको दिखाई दे रहा है, चमकता हुआ पानी। जब भी लहरों के ऊपर सूर्य की किरणें गिर रही हैं तो हम देख सकते हैं किस तरह से चमक रही है। ये सिरोही का दूधिया तालाब है, इसकी कहानी हम में से अधिकांश लोग जानते हैं। आज से 3-4 साल पहले यहाँ मात्र एक अंग्रेजी बबूल का जंगल था। आज ये कहानी हमको देखनी चाहिए, दूधिया तालाब को देखना चाहिए, इसलिए देखना चाहिए कि ये सिरोही पानीदार सिरोही के 7 तालाबों में से एक है दूधिया तालाब, जिसकी फिक्र की थी आदर्श चैरिटेबल फाउंडेशन ने, जिसकी फिक्र की थी जल बिरादरी ने और जिला प्रशासन ने भी। और उस फिक्र के बदौलत, उस पुरुषार्थ के बदौलत, उस कार्य के बदौलत दूधिया तालाब आज इस स्थिति में पहुंच गया कि इसमें कम बारिश के बावजूद भी पानी है। और ऐसा अनुमान हम लगा सकते हैं, जो हमको दिखाई दे रहा है, कि ये पानी इस साल पूरे साल रहेगा, क्योंकि पिछले साल भी पूरे साल रहा था। इसकी काफ़ी खुदाई हुई थी, काफ़ी खुदाई होने के बाद में इस तालाब की भराव क्षमता को बढ़ाया गया था, जबकि इससे पहले की स्थिति से हम सब वाकिफ हैं, क्योंकि ये सिरोही के सारणेश्वर जी जाने का मार्ग है। ये पुलिया वो है जिसके अंदर से सिरोही से जब हम सारणेश्वर जी जाते हैं, और ये सामने खूबसूरत सिरनवा की वो पहाड़ियाँ हैं जो स्वयं एक देव हैं, साक्षात देव के रूप में हैं। आगे हम देखते हैं तो श्री सारणेश्वर जी का मंदिर है, ऊपर मातर माता जी, पिसवानिया जी, और ये संपूर्ण सिरोही की कहानी इस तरह से है कि सिरनवा की तलैटी में बसा हुआ सिरोही के ऊपर, सिरनवा की इन पहाड़ियों के ऊपर बरसने वाले पानी को सहेजने के लिए सिरोही के शासकों ने सिरोही को 7 तालाब दिए। वो जरूरी थे, उनकी सोच थी कि अगर वो उन्होंने ये सिरोही को 7 तालाब नहीं दिए होते तो सिरोही हरा भरा नहीं रहता, सिरोही पानीदार नहीं रहता जो आज तक रहा था। लेकिन लंबे समय तक हमने इन तालाबों की कहीं न कहीं उपेक्षा की, कहीं न कहीं उपेक्षा की। ये आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं है, लेकिन हमने इनके अस्तित्व को ही नकार दिया। कुछ तालाबों की तो हम अगर देखेंगे तो धांधेवरा तालाब और जिसको निडोरा तालाब कहते हैं, नील सागर, उनकी स्थिति आज हमको देखनी चाहिए, प्रशासन को देखनी चाहिए, सिरोही के जागरूक लोगों को देखनी चाहिए। वहाँ हमको अतिक्रमण दिखाई देता है, जिसको हटाना जरूरी है। सिरोही के 7 तालाब जब तक बचे रहेंगे, सिरोही पानीदार रहेगा। ये पानी की व्यवस्था है, और ये जब से है तब से है और आगे भी रहेगी। और अगर हमने इनको नहीं सहेजा, नहीं संभाल पाए, तो ये आने वाले समय में सबसे बड़ा संकट सिरोही को पानी का देखना पड़ेगा। ये एक कुआ है और यहाँ से सप्लाई भी होती है, ये एक बड़ी अच्छी व्यवस्था है। और आप ताज्जुब करोगे, ये आनंद का विषय है, ये बहुत ऊपर मुश्किल से होगा तो 10 फुट या 15 फुट की दूरी पर पानी भरा हुआ है इस कुएं में, जो और इससे पानी की सप्लाई होता है, वाटर वर्क की सप्लाई है। और मुझे लगता है सादुलपुरा या इस क्षेत्र में जो भी व्यवस्था है, जहाँ तक पानी जाता है वहाँ पानी जाता है। अब बात यहाँ आती है कि दूधिया तालाब को जिस तरह से सहेजा, जिस तरह से कालकाजी के तालाब की भी या लाखेराव तालाब की खास तौर से खुदाई की, तो इनको सहेजना जरूरी है, इनको और खोजना जरूरी है। इनमें पानी जो गिरता है, कोई बात नहीं, 2 साल बारिश कम हुई है तो हम आशा रखते हैं कि अगले साल फिर बारिश होगी, अच्छी बारिश होगी। हम ये भी मान लें कि अगले साल भी मान लो बारिश नहीं होगी तो उसके अगले साल होगी, और जब भी बारिश होगी अच्छी, जिस साल भी बारिश अच्छी होगी, उस समय के लिए हमारे तालाब एक बड़ी कैपेसिटी के साथ होने चाहिए, ताकि उस पानी को सहेज सके और उसकी क्षमता को बढ़ा सके। तो हम एक खूबसूरत तस्वीर को आपको दिखा रहे हैं,
ये पक्षियों की जो यहाँ खेल है, ये पक्षी ये आप देख सकते हैं कि सचमुच में बड़ा अद्भुत नजारा है। ये पक्षी यहाँ क्रीड़ा कर रहे हैं, इनको ये प्रकृति का ही एक स्वरूप है। जीव हा देखते रहे साहब, देखते रहे। ये खूबसूरत नजारे हम आपको दिखाने के प्रयास करते हैं। यहाँ एक इस तालाब की और सबसे बड़ी खास बात ये है कि ये निर्मल पानी है, स्वच्छ पानी है, या यूं कहें कि मिनरल पानी है, बरसात का पानी है। तो निसंदेह इसमें बरसात के पानी में कोई विवाद हो नहीं सकता, और ये बहुत ही एक तरह से मिनरल पानी से भी पावरफुल होता है ये पानी। इसमें पक्षी क्रीड़ा कर रहे हैं, इस पहाड़ी के ऊपर निसंदेह जानवरों की भरमार है। मैंने सुना है कि तेंदुए आदि भी ऊपर से उतरते हैं रात्रि में, पानी पी के जाते हैं। और कितने पक्षी, कितने जीव जंतु, रेंगने वाले, उठने वाले, चलने वाले, सारे यहाँ पानी पीते हैं। और ये तालाब, दूधिया तालाब, इसके इस स्वरूप के लिए निसंदेह आदर्श चैरिटेबल फाउंडेशन, मतलब इसका क्रेडिट उनको जाता है। बड़ी मेहनत की थी उन्होंने, बड़ा पुरुषार्थ किया था, हिम्मत की थी, और अच्छा कार्य किया, इसके लिए साधुवाद है। बाकी बातें तो एक अलग चैप्टर है। हमको जागरूक होकर इन तालाबों का तो कम से कम परवाह करें, और सारे तालाबों की डी सिल्टिंग करा दें खास तौर से। और इसके लिए कुछ ऐसा फ्लेक्सिबल कोई सिस्टम हो, इसका फ्लेक्सिबल सिस्टम हो, क्योंकि जहाँ भी हम मिट्टी भराव की बात करते हैं, जहाँ जिनको मिट्टी चाहिए होती है, फिर भले खेतों के लिए मिट्टी हो या फिर दूसरे कार्य के लिए हो, अगर इस तरह की कोई व्यवस्था हो कि भाई मिट्टी खोद के ले जाए, तो बिना खर्चे के ये तालाब गहरे हो सकते हैं। बिना तब खर्चे के इन तालाबों की सिल्ट, जो जमा सिल्ट है, वो हट सकती है। मैं मेरी बात को विराम देता हूँ ये खूबसूरत नज़ारे के साथ में। यहाँ हाईवे से जब भी कोई गाड़ियाँ जाती होंगी, जब भी इस तालाब को देखती होंगी, तो इस नज़ारे को देखकर ये तो ज़रूर सोचती होंगी कि ये कोई सूखा क्षेत्र नहीं है, सिरोही पानीदार है, क्योंकि उनको पानी दिखाई देता है। दूधिया तालाब के लिए या इस तरह के पुरुषार्थों के लिए हम प्रयास करें साहब, हम ऐसे प्रयास करें। हम दो तीन काम ही तो करने के हैं कि पानी के लिए काम कर दें, हरियाली के लिए काम कर दें, हमारे गोचर ओरण जो भी हैं उनके लिए सरकार सीधे सीधे एक्शन ले साहब, सीधे सीधे। पिपलांत्री एक ऐसा गांव, पिपलांत्री को तो कम से कम एक मॉडल रखें, पूरे देश को वो मॉडल रखना चाहिए, जिसने कमाल कर दिया। हमारे अभी अभी चुनाव चल रहे हैं, कुछ सरपंच बन गए, कुछ बन जाएंगे, तो ऐसा करें कि उस गांव के तालाब, नाड़ी या वहां का ओरण या गोचर, उसको भगवान मान लें, और उसको भगवान मान के उसके लिए काम करना शुरू कर दें। बाकी राजनीति जितनी मर्जी करनी हो करें, एक दूसरे की जितनी मर्जी हो छींटाकशी करें, लेकिन इन मामलों पर एक हो जाएं, इन मामलों पर कोई राजनीति ना हो। अर्थात इसको खोदना है मतलब खोदना है, इसके मार्ग में कोई विवाद है उसको, पानी को, पानी तो अल्टीमेटली आ ही जाता है, रुकता रुकता आएगा तो भी आएगा, और पानी जिस दिन बारिश अच्छी होती है, जिस साल बारिश अच्छी होती है, उस साल ये भर जाते हैं। हमको सभी तालाबों की, इस तरह की, गांव का तालाब हो, नगर का हो, शहर का हो, महानगर का हो, ये जो भी तालाब है उनको हम केयर करें। ये खूबसूरत नज़ारा ज़रूर देखें, आकर देखें, इस वीडियो के माध्यम से देखें। नमन, धन्यवाद।